नाजरीन आपको अहम खबर दे रहे हैं। बूरेवाला में पुलिस और बल्दिया मुलाजमीन के दरमियान तनाजा पैदा हो गया। बल्दिया मुलाजमीन ने 12 घंटे से पूरे शहर की सड़कों को ब्लॉक कर रखा है। अवाम शदीद परेशान। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ तहलका न्यूज मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, बूरेवाला लाडिया अड्डा जनरल बस स्टैंड पर बल्दिया का अड्डा टैक्स वसूल करने वाले सरदार वसीम डोगर, काशव और काशी डोगर वगैरह ने अड्डा फीस दिए बगैर वहाँ से गुजरने वाली एक प्राइवेट कोस्टर गाड़ी को रोका। ना रुकने पर उन्होंने दिगर साथियों का मरा इनका ताकब करके इन्हें माना मोड़ के करीब जाकर रोक लिया और गाड़ी के अमले को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे दो अफराद नीम बेहोश हो गए। गाड़ी के मुसाफरों ने पुलिस को इतला दी कि मुलजमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुलजमान के बजाय जनरल बस स्टैंड पर अड्डा टैक्स वसूल करते हुए बल्दिया के दो मुलाजमीन को पकड़कर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिस पर चेयरमैन बल्दिया चौधरी मोहम्मद आशिक राय ने पुलिस को बल्दिया का मुलाजमीन छुड़वाने का कहा, लेकिन पुलिस ने मुलाजमीन नहीं छोड़े, जिस पर चेयरमैन बल्दिया की क्यादत में कौंसलों और बल्दिया के मुलाजमीन ने लारी अड्डा पर पुलिस कर्मी के खिलाफ तमाम रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया। मुजाहरा ताहाल जारी है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले सैकड़ों तलबा तलबा स्कूल नहीं जा सके और मुतअद्दद तलीमी अदारे भी मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गए हैं। जी शुक्रिया मोहम्मद अली, आप तफसीलात बता रहे थे।